हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी उसके अंदर मैंने सेक्शन 203 सीआरपीसी का डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट पे बात की थी और मैंने आपको बताया था कि कंप्लेंट केसेस में जो कॉग्निजेंस लिया जाता है तो उसका प्रोसेस क्या है। तो उसके अंदर मैंने किस तरीके से पहले प्री समनिंग एविडेंस होगा उसका स्टेप बताया था। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है और पूरी की पूरी सीआरपीसी की अभी तक वीडियोस की सारी प्लेलिस्ट की लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। लेबर लॉस की भी जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज हमें करना है एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, और ये बात करता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट। दो वीडियोस में आपका सेक्शन 210 तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो तीसरी वीडियो आपकी बनेगी वो चार्ज पे बनेगी। चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चार्ज वाला जैसे ही खत्म होगा तो आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा, सेशन ट्रायल, समन केसेस वाला ट्रायल और वारंट केसेस वाला ट्रायल मैं करवा दूंगा। सेक्शन 204, इश्यू ऑफ प्रोसेस। अब पहले समझते हैं कि इश्यू ऑफ प्रोसेस क्या होता है। सेक्शन 203 में तो मैंने आपको बताया था कि जो मैजिस्ट्रेट ने जब अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करी, क्योंकि मैंने आपको सेक्शन 202 में पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोसेस वाला एक कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट वीडियो में, कि कुछ टाइम के लिए मैजिस्ट्रेट इस चीज से श्योर होना चाहता है कि जिस केस में हम प्रोसीड करना चाहते हैं या जिस केस में कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, क्या वो केस में कॉग्निजेंस लेने के लिए कोई वैलिड ग्राउंड भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उस केस में मैजिस्ट्रेट 202 में उसको पोस्टपोन कर देता है। मगर अगर मान लीजिए ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, हमने इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर से कराई या फिर इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट ने खुद हिमसेल्फ करी है, तो उससे मजिस्ट्रेट को लगता है यस देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, तो मजिस्ट्रेट दो चीजें कर सकता है। पहला, अगर वो वारंट केस हो और समन केस हो तो उस केस में क्या क्या कर सकते हैं। समन इशू कर दो जी, वारंट केस है तो वारंट इशू कर दो जी, क्या वारंट केस में समन इशू कर सकता है मजिस्ट्रेट? द आंसर इज यस। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि समन से ही काम चल जाएगा तो समन भी इशू कर दिया जा सकता है। समन और वारंट में बेसिक यही फर्क है कि समन में आपको एक डेट दी जाती है कि भाई इस तारीख पे आपको अपीयर होना, और वारंट वाले केस के अंदर आप पुलिस आती है वो वारंट लेके और आपको अपीयर करवाती है मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बेलेबल वारंट के केस में पुलिस आती है और आपको बस आपसे साइन करवाती है कि मैं इस पर्टिकुलर डेट पे अपीयर हो जाऊंगा इस जगह पे इस कोर्ट में, और अगर नॉन बेलेबल वारंट है तो पुलिस आपको उठा के ले जाती है और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराती है। पर्पस यही है समन या वारंट का कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने आपकी अपीयरेंस आपकी प्रेजेंस को मार्क करवाना है। तो अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे तो सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने का, तो दो किस्म से प्रोसेस हो सकता है। प्रोसेस मतलब अपीयरेंस देने का प्रोसेस जो है, समन केस है समन करवा दो, वारंट है तो वारंट करवा दो। समन केस वारंट केस क्या होता है जिनको नहीं पता, वो मेरी स्टार्टिंग की डेफिनेशंस की वीडियो देख सकते हैं, पार्ट नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक है। समन केस में बेसिकली यही, वारंट केस में है कि 2 साल या उससे ऊपर की पनिशमेंट वाले जो ऑफेंसेज हैं वो सारे वारंट में फॉल कर जाते हैं और 2 साल तक वाले आपके समन केस में फॉल कर जाते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि एक सेक्शन मैंने आपको बताया था सेक्शन 87, इस पे भी वीडियो डिटेल में बना रखी है। कई बार पुलिस मजिस्ट्रेट क्या करता है, समन के केस में वारंट इशू कर देता है। कई बार मजिस्ट्रेट को लगता है कि समन से वो बंदा अपीयर नहीं होगा या फिर वो भाग जाएगा और समन केस में भी समन इशू करने से काम नहीं चलेगा, तो उस केस में समन की जगह पे वारंट भी इशू किया जा सकता है। और ध्यान रखना, सेक्शन 204 में जो भी पावर्स हैं उसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 87 की पावर्स खत्म हो जाएगी। सेक्शन 204 इज नॉट इन डेरोगेशन विद द सेक्शन 87 का सेक्शन, ये चीज ध्यान रखना। सेक्शन 87 में जो पावर है, मैजिस्ट्रेट को लगता है इस जगह पे वारंट इशू करना है तो वारंट इशू ही करेगा मैजिस्ट्रेट वहां पे, क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो जो व्यक्ति है जो अक्यूज है वो भाग सकता है, तो मैजिस्ट्रेट एक जो भी उसको ऑप्टिमल एक्शन लगता है दैट मैजिस्ट्रेट कैन पर्टिकुलर टेक दैट। अब सवाल आता है कि ये समन और वारंट के लिए क्या आपको पीएफ जमा करना पड़ेगा? तो अगर आप कोर्ट में गए होंगे तो आपने देखा होगा एक प्रोसेस फीस का फॉर्म होता है, प्रोसेस फीस कहते हैं पीएफ को, पीएफ का फॉर्म जमा करना होता है। समन के जो पैसे हैं वो समन के पैसे आप दे दीजिए और उसके बाद वो पीएफ का फॉर्म आप जमा कर देंगे तो कोर्ट अपनी तरफ से समन इशू कर देगा। तो आप लोगों ने जब अपनी इंटर्नशिप के दौरान भी पीएफ के फॉर्म कई बार भरे होंगे केसेस में समन वगैरह इशू कराने के लिए,
तो जब तक आप प्रोसेस की फीस नहीं भरते हैं तब तक आपका जो समन या वारंट वगैरह है ये इशू नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, कोई भी समन या वारंट तब तक इशू नहीं होगा जब तक प्रोसिक्यूशन ने लिस्ट ऑफ विटनेस ना फाइल कर दिया हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ विटनेस ना फाइल कर दिया हो तब तक कोई भी समन या वारंट इशू नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 204 में क्लियरली मेंशन है। और यहां पे कोई मे नहीं है, कोई शुड नहीं है, डायरेक्ट शैल लिखा है कि नो समन्स और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंटिल अ लिस्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड। कहां पे प्रोसिक्यूशन को बताना पड़ेगा कि मैं इन इन विटनेसेस पे रिलाई कर रहा हूं, वहां पे जब प्रोसिक्यूशन का विटनेस फाइल हो जाएगा उसके बाद ही समन इशू किया जाएगा, ध्यान रखना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपके पास री एग्जामिन कराने का भी ऑप्शन होता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे री एग्जामिनेशन हो जाता है, जैसे कि वहां पे लेकिन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लगता है ऑब्वियसली, जैसे जब अल्टरेशन ऑफ चार्ज होता है, जब चार्ज को मजिस्ट्रेट अल्टर करता है, कोई मजिस्ट्रेट चार्ज को ऐड करता है, किसी चार्ज को रिमूव कर देता है, तो उसके बाद 217 में री एग्जामिनेशन मजिस्ट्रेट करा सकता है। 311 में मजिस्ट्रेट के पास री एग्जामिनेशन कराने का है, नया विटनेस इंट्रोड्यूस भी करा सकता है अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट। तो दोनों तरीके से चीजें चल रही है, तो लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल करना है और आपको बताना है कि ये विटनेस मेरे हैं इस पर्टिकुलर केस में, प्रोसिक्यूशन जिस एक्यूज के खिलाफ केस बना रही है। नाउ अब मान लीजिए आपका जो केस है वो कंप्लेंट पे बेस्ड है, मतलब आपने जो कंप्लेंट दी है राइटिंग में, आपने कोई एफआईआर नहीं कराई, कंप्लेंट पे बेस्ड है आपका केस राइटिंग में। तो जब आप समन या वारंट इशू कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको एक कंप्लेंट की कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी। इसका सीधा सब सिंपल पर्पस यही है कि आपको जब आप एक्यूज्ड हैं और आपके खिलाफ को मैटर है तो आपको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मिल रहा है, दो चीजें। आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपके खिलाफ इस प्रकार की कंप्लेंट आई है और ये रहा उसका कॉपी कि ये डिटेल में जिसने आपके खिलाफ कंप्लेनेंट जो है उसकी डिटेल और उसके क्या फैक्ट्स और केसेस है, उसने आप पे क्या एलिगेशन पुट ऑन किए हैं, ये सारी चीजों के लिए आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है ताकि आप अपना डिफेंस बना पाए। Now, एक चीज और इसमें रह गई है, मान लीजिए आपने प्रोसेस फीस पे नहीं करी तो क्या मैजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है? मैजिस्ट्रेट के पास क्या राइट है कि आपने पीएफ का पैसा अभी तक नहीं भरा, आप अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, यस या नो, कमेंट सेक्शन में बताना बस। नाउ सेक्शन 205, डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। अगर आप लोगों ने केसेस अटेंड किए होंगे तो आपको आइडिया होगा कि हर केसेस में एक्यूज को हर मतलब हियरिंग पे जो डेट होती है हर डेट पे एक्यूज को अपियर होने की जरूरत नहीं है, एक्यूज के बिहाफ पे उसका प्लीडर अपियर हो जाता है। तो ये सेक्शन उसी के बारे में बात करता है कि मैजिस्ट्रेट अगर इशू करता है समन तो मैजिस्ट्रेट वहां पे समन में मैजिस्ट्रेट को अगर रीजन लगता है तो मैजिस्ट्रेट बोल सकता है कि अगर आप अपीयर नहीं होना चाहते तो आप अपने प्लीडर को भेज सकते हैं, एंड वहां पे आपके प्लीडर के अपीयर होने का जो लीगल कंसिक्वेंस है वो ये है कि आप अपीयर हो चुके, आप अपने प्लीडर के थ्रू अपीयर हुए, आपका प्लीडर आपके बिहाफ पे अपीयर हुआ, एक्यूज्ड के बिहाफ पे अपीयर हुआ है, तो इसका मतलब आप अपीयर हो गए, आपकी अपीयरेंस मार्क हो गई, आपको नॉन अपीयरेंस के लिए आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, इसका लीगल मतलब यह होता है। दूसरा, अगर किसी केस में मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं यहां पे पर्सनल अटेंडेंस चाहिए मुझे एक्यूज्ड की, मुझे एक्यूज्ड से कि पर्सनल अटेंडेंस चाहिए, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट वो चीज कर सकता है। मान एग्जांपल देता हूं छोटा सा, अब मैजिस्ट्रेट को 313, हालांकि 313 का जो बयान होता है सीआरपीसी में वो ऑन द स्पॉट ही किया जाता है, मैजिस्ट्रेट कभी भी पूछ सकता है, ओरल एग्जामिनेशन की तरीके से भी पूछ सकता है और उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं कराना होता। अब मैजिस्ट्रेट को लगता है 313 का बयान कराना है और 313 के बयान के लिए पहले से मैजिस्ट्रेट को बताने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो उस केस के अंदर मैजिस्ट्रेट चाहेगा तो पर्सनल अटेंडेंस के लिए बोल सकता है, बोल सकता है कि नहीं आप एक डेट पे अपीयर होइए,
क्योंकि अगर मान लीजिए अपियर ही आप नहीं होंगे तो मजिस्ट्रेट 313 का बयान आपसे करेगा कैसे। हालांकि 313 का जो बयान होता है, जो अक्यूज देता है, वो ओथ पे नहीं होता, लेकिन उस केस में, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट और एक कोरोबोरेटिव एविडेंस बन जाता है 313 का बयान आपके केस के अंदर। तो इसलिए अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कहीं पे रीजंस कि नहीं यहाँ पे नेसेसरी है पर्सनल अटेंडेंस, अक्यूज का पर्सनली कोर्ट में आना जरूरी है, तो मजिस्ट्रेट उस केस में वो ऑर्डर भी पास कर सकता है। नाउ सेक्शन 206 स्पेशल समन्स पेटी ऑफेंसेस के केस में। पहली बात, यहां पे पेटी ऑफेंसेस की डेफिनेशन क्या, पहले उसको समझिए। जहां पे अमाउंट ऑफ फाइन इज मैक्सिमम 1,000 रुपीज, पेटी ऑफेंसेस आर दोज जिसमें अमाउंट ऑफ फाइन इज मैक्सिमम 1,000 रुपीज, और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई उन ऑफेंसेस को भी कर सकती है इस लिस्ट के अंदर, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, जिसमें मैक्सिमम 3 महीने की इंप्रिजनमेंट हो, मैक्सिमम 3 महीने की इंप्रिजनमेंट हो, और सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 की जो कंपाउंडिंग की पावर है उसके तहत मजिस्ट्रेट को इंपावर किया जा सकता है। ध्यान रखना, पहला तो जो प्राइमरीली पेटी ऑफेंसेस का यहां पे डेफिनेशन है वो ये है कि वही कि आप जिसमें फाइन 1,000 से ऊपर एक्सीड नहीं करता, और दूसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो ऑफेंस है उसमें भी फाइन दे के छूट जाते हो आप बिना अटेंडेंस के, आप फाइन दे दो कोई दिक्कत नहीं अपीयर वगैरह होने की, उस केस में उसके ऑफेंसेस यहां इंक्लूडेड नहीं होते। ध्यान रखना, ये डज नॉट इंक्लूड है, वो 206 का पार्ट नहीं होता। हालांकि नियम वहां पे भी वैसे ही है कि आप फाइन देके छूट जाते हो, आपको अपीयर होने की जरूरत नहीं है, बट वो इंक्लूडेड नहीं होता। दूसरी चीज कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है, जो 320 का जो कंपाउंडिंग का है ना, सेटल कर लेने का जो सेक्शन है 320 कराऊंगा मैं आगे, उसके तहत पावर दे सकती है मजिस्ट्रेट को कि भैया जो 3 महीने तक के ऑफेंसेज हैं उस केस के अंदर अगर आपको लगता है कि फाइन से काम चल जाएगा, कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन से वो काम चल जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सेटिस्फाई हो जाएगी, एंड्स ऑफ जस्टिस मीट हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस केस में फाइन से भी काम चला सकते हो। अब ये स्पेशल समन का पर्पस क्यों, इसका नाम स्पेशल समन क्यों है, कि क्या ये नॉर्मल समन से क्यों अलग है? क्योंकि नॉर्मल समन्स में आपको कहा जाता भैया अपियर हो इस डेट पे, अपियर हो गए उसके बाद आपके खिलाफ क्या चार्ज बना है, आपका जो वकील है रिप्लाई बनाएगा, उसके बाद केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी एक रिपोर्ट आएगी, कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका ट्रायल शुरू होगा आपसे। वैसे हालांकि पहले पूछा जाता है कि आर यू प्लीड गिल्टी और नॉट कोर्ट में, हर केस में अगर आप बोलते हो नॉट गिल्टी तो आपका ट्रायल शुरू होगा, आगे मैटर चलेगा। तो समन का बेसिकली पर्पस होता है अपियर होना, लेकिन यहां पे 206 का जो स्पेशल समन है वो इस बारे में बात करता है कि अगर आप प्लीड गिल्टी करना चाहते हो तो गिल्टी प्लीड करके पैसा भेज दो, या फिर अपने प्लीडर को भेज दो, वो आपके बिहाफ पे प्लीड गिल्टी कर देगा। या तो आप पैसा भेज दो प्लीड गिल्टी करके, या तो आप राइटिंग में, मतलब राइटिंग ऑब्वियसली प्लीड गिल्टी करोगे, राइटिंग में प्लीड गिल्टी करके पैसा भेज दो, जितना फाइन है मैक्सिमम फाइन यहाँ पे 1,000 रुपए, वो पैसा भेज दो, खत्म करो, ना कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा, लिटिगेशन का टाइम भी बचेगा और आपके एक्सपेंसेस भी बचेंगे। दूसरा तरीका क्या है, आप प्लीडर को भेज दो, प्लीडर आपके बिहाफ पे प्लीड गिल्टी कर देगा, और जो भी सर्टन अमाउंट ऑफ फाइन है मैक्सिमम 1,000 रुपीज तक का, प्लीडर वो पे कर देगा। तो दैट इज वाई दिस समन इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल समन्स, इसलिए इसमें यहाँ पे स्पेशल समन्स वाला केस लगा हुआ है पेटी ऑफेंसेस के केस में। और यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला कि पेटी ऑफेंसेस के केस में जो लिमिट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुडिशियरी की तैयारी करे वो, दूसरा स्पेशल समन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन का नंबर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके साथ कराऊंगा उसमें मैं 207 से 210 कराऊंगा, और उसके बाद हमारा 211 चार्ज से स्टार्ट हो जाएगा, और चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मुझे बहुत ही डेलिकेटली वो चीज करानी है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें यार, थैंक यू सो मच।